ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में आखिरकार 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। डीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह और फिर दोपहर में भगवान की पूजा की गई, लेकिन इस पूजा के विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक के दरवाजे खटखटा रहा है और विरोध उस फैसले का किया जा रहा है जिसमें वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने की परमिशन दी है। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट का आदेश और ज्ञानवापी में उत्सव की ये तस्वीर 31 साल बाद दिखी, जब व्यास जी के तहखाने में रातों रात पूजा हुई। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को भी बदलने की कोशिश की जिस पर ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद लिखा था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद काशी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह होते ही काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा लोगों को परिसर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। डीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है, तो वहीं अदालत के फैसले के बाद वो बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है जो नंदी के सामने लगाई गई थी। सभी सुरक्षा योजना है, वहाँ मौके पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कोर्ट के जो आदेश है उसका अनुपालन हुआ है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और सभी लोगों से लगातार वार्ता चल रही है और स्थानीय स्तर पे कोई तनाव की स्थिति नहीं है और हमारे सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी इन सब चीजों के लिए लगाई है। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसले के खिलाफ एससी पहुंचा मुस्लिम पक्ष, रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे दस्तावेज पेश किए। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट भेज दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। भैया, कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहां इनकार कर रहे हैं? हाँ। मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल बताइए। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर सुन तो लीजिए, हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है। तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। गंगा किनारे विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती की जा रही है और महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी का विवाद 355 साल से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1969 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 साल से मुकदमेबाजी भी चल रही है और ASI सर्वे रिपोर्ट के बाद वो तस्वीर भी साफ हो गई, जिसका इंतजार शिव भक्त कई वर्षों से कर रहे थे। ऐसे में पूजा के बाद इंतजार उस पल का है जब अयोध्या की तरह वाराणसी में भी ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए, ताकि राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज भी नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय नहीं मिला। शपथ ग्रहण कराने की गुहार लेकर चंपई सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन के 3 विधायक राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मिले। साथ ही कल सुबह 8:30 बजे शपथ ग्रहण कराने की मांग की। इस पर राज्यपाल ने कहा कि वो कल बताएंगे। चंपई सोरेन के साथ सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह, प्रदीप यादव और आलमगीर आलम भी राज्यपाल से मिले। कल भी चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तो सियासी संकट झारखंड में, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हैदराबाद नहीं जा सके हैं विधायक। खराब मौसम बन रहा है बाधा। चार्टर प्लेन से सभी विधायक उतरे हैं और अब सर्किट हाउस लौट रहे हैं। कम विजिबिलिटी बाधा बनी, जिसकी वजह से हैदराबाद नहीं जा सके ये विधायक, जो आपको इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम बाधा बना, कम विजिबिलिटी,
बाधा बनी, जिसकी वजह से चार्टर जो फ्लाइट थी वो नहीं उड़ पाई और वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा है इन विधायकों को। तो सभी विधायक चार्टर प्लेन से उतारे गए लो विजिबिलिटी की वजह से, फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी और इन सभी विधायकों को वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक की गाड़ी पर पथराव हुआ है। दिलीप मकवाना बाल बाल बचे, मेघनगर से रतलाम लौटते समय पथराव हुआ है। बीजेपी नेता की गाड़ी के कांच भी टूट गए। औद्योगिक थाने में केस दर्ज कराया गया है।